Massive blast has taken place in a gunpowder factory in Chhattisgarh's Bemetara. A person has been killed in the blast, while there are about 10 to 12 people who have been injured. There are many people who are feared trapped under the debris as well. The relief and rescue operations are underway. Gaurav, there's a blast, unfortunately, that has taken place in this place in the region. And there's one person that we are getting to know in Bemetara in Chhattisgarh that has succumbed to his injuries. There are many others who are injured. How many people at this point of time can it be estimated are still stuck under the debris? जी बिल्कुल, देखिए जो हादसे के बाद जो है आंकड़ा वो अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन लगभग 13 से 14 लोग जो है अभी तक दबे होने की जो बात है वो सामने आ रही है। लगातार जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, और अभी तक आपको बता दें कि 7 लोगों को जो है वहां से निकाला गया था, जिनमें से एक की जो मौत है वो हो चुकी है, और अभी लगातार इस पर जांच का विषय बना हुआ है। अभी तक जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वहां पर एक्सप्लोजिव जो है वो बनाए जा रहे थे, 3 टैंक थे जिसमें से एक टैंक पर लीकेज हुआ, जिसके चलते ये जो ब्लास्ट है वो हुआ है, और वहीं 2 टैंक जो है वहां से अलग अलग दूरी पर रखे हुए थे। तो अभी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जो कड़ाई है वो की जा रही है। लगभग 7 से 8 जो है गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई है आग बुझाने के लिए। और वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के बड़े नेता मुख्यमंत्री की बात करें विष्णुदेव साय ने मौत जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए, और वहीं जो घायल है उनको 50,000 रुपए देने का जो घोषणा है वो कर दी गई है, और इस पर आगे जाँच की जा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.